भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री झालीच पाहिजे। झालीच पाहिजे। झालीच पाहिजे। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री झालीच पाहिजे। झालीच पाहिजे। झालीच पाहिजे। बोला जय श्री राम। जय श्री राम। जय। वंदे मातरम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो कंटिन्यू करना रहेगा सर। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री झालीच पाहिजे। झालीच पाहिजे। झालीच पाहिजे। कश्मीर फाइल टैक्स फ्री करा नाहीतर खुर्च्या खाली करा। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करा नाहीतर खुर्च्या खाली करा। दूध मांगो खीर देंगे। कश्मीर मांगो खीर देंगे। भारत माता की जय। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और सजिंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा और आपकी पूरी टीम कश्मीर फाइल देखकर आ रही है, क्या रिएक्शन है आपका? क्या कहना चाहेंगे आप द कश्मीर फाइल के बारे में? द कश्मीर फाइल ये एक फिल्म नहीं, रक्त रंजित सच है जो पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। मेरा यह मानना है कि पिछले कई सालों की सत्ता में कांग्रेस ने देशवासियों के सामने इस सच को दबाए रखा, छुपाए रखा, और माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी वो एकमेव नेता है जिन्होंने सही मायने में कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने का काम किया है। और पूरा देश, मैं पूरे देश के सभी वासियों से अपील करूंगा कि द कश्मीर फाइल्स ये पिक्चर आके आप स्वयं देखें और अपने अड़ोस पड़ोस के अपने दोस्त यारों को भी बताइए ये पिक्चर देखने के लिए। और जो व्यक्ति सक्षम नहीं है टिकट लेने के लिए, उनकी टिकट खरीद कर उन्हें दीजिए। और ऐसी मूवी जो देश के दिल से जुड़ी हुई है, ऐसी पिक्चर देखने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहन दें। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कश्मीर फाइल आप देख कर आ रहे हैं। कश्मीर फाइल जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर कोई नहीं देख सकता या जिसके पास क्षमता नहीं है, तो मैं हर एक मेरे युवा भाइयों से विनंती करूंगा कि हर एक युवा ने एक पांच पांच जन को ये मूवी 100% दिखानी चाहिए। ये बेसिकली हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की, ये मूवी नहीं, कश्मीर पंडित भाइयों का दुख और दर्द है जो ये मूवी में दिखाया गया है। अमर जी, मराठी में जिस तरह से मूवी आप देख कर आए हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से इसमें कह रही है कि ये एक साजिश है और इस मूवी को भाजपा ही आगे ला रही है और इसे एक प्लानिंग बताया जा रहा है, किस तरह देखते, क्या कहना चाहेंगे? यामध्ये काही म्हणजे कोणती साजिश नाही आहे, एक खरंच अत्याचार झालेले म्हणजे कश्मीरी पंडितांवरती, हे काँग्रेसने सगळं दाबून ठेवलेलं आत्तापर्यंत, लोकांपर्यंत येऊन दिलं नव्हतं। तर हे अग्निहोत्री यांनी लोकांपर्यंत ती खरी घटना आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे या माध्यमातून। देखिए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ में, जो हिंदुओं के साथ में उत्पीड़न हुआ था, उसकी सच्चाई, वो आज जो सच घटनाएं लोगों को अपने जीवन में जो उन्हें भुगतनी पड़ी थी वो लोगों के समक्ष आई है,
इसलिए हम सबको ये आज की जो ये मूवी हम देख रहे हैं इसका जो इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, तो हम हमारे साथियों को और भी हमारे दोस्तों को प्रोत्साहन करेंगे कि आप आइए और ये फिल्म देखिए तो देश का सच आपके सामने उजागर होकर के। पंडितों का जो दर्द है, जो उनके साथ जो कुछ हुआ वहाँ पर कश्मीर में, किस तरह वो दर्द आपने फील किया और मूवी देखते टाइम आपने क्या कुछ उनके दर्दों को कितना फील कर पाया और आपको लगता है कि जो हुआ था वो बहुत गलत था? सही मायने में जो हुआ था बहुत गलत हुआ था। ये सही मायने में जो कश्मीरी पंडित जिनके परिवार जनों के साथ में हुआ है वो ही ये ज्यादा समझ सकते हैं, लेकिन आज ये पिक्चर देखते हुए हमने उनकी भावनाओं को समझा है, उनके दुख और दर्द को महसूस किया है। और सभी युवा, आप कितने भी अनेक सैकड़ों युवा जो हमारे साथ आए हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि आज जो सच्चाई उन्होंने देखी है उससे उन्होंने कांग्रेस का काला रंग उनके सामने आया है। देश के जो गद्दार थे जिन्होंने एक तरफा निर्णय लिया है देश के अंदर, वो उजागर हुआ है युवाओं के सामने। तो मूवी के माध्यम से पंडितों के दर्द को दर्शाने के लिए भाजपा ये लोगों को दिखा रही है या फिर कांग्रेस की नीतियों को दिखाने के लिए आपने जो भी कांग्रेस का नाम लिया? कांग्रेस की विफलता है तो सबको पता है, लेकिन सही मायने में हिंदू होने के नाते जो हमारे भाइयों के साथ, जो हमारे बहनों के साथ उत्पीड़न हुआ था उसकी सच्ची कहानी सुननी थी, सच्ची कहानी देखनी थी। जो हम उस समय पैदा भी नहीं हुए थे कुछ युवा, तो उनके सामने भी सच्चाई सामने आए ये बहुत जरूरी था, इसलिए ये पिक्चर हम सब युवाओं को दिखा रहे हैं। बहुत जगहों पर बहुत सारे स्टेट में जिस तरह से टैक्स फ्री किया गया है, तो आप किस तरह देखते हैं क्या यहां भी टैक्स फ्री होना चाहिए? शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे जी की सरकार को कि जब बाला साहेब जी का उल्लेख ये पिक्चर में किया, उन्होंने किस तरीके से कश्मीरी पंडितों की मदद की थी, उसके बावजूद आपकी महाराष्ट्र में सत्ता होने के बाद भी आप इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी सच्चाई लोगों के सामने लाने वाली पिक्चर को टैक्स फ्री नहीं कर रहे, इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए। और अगर उद्धव ठाकरे जी और उनकी सरकार ये पिक्चर को टैक्स फ्री नहीं करेगी तो हम सब युवा मिलकर रस्ते पर उतर कर आंदोलन करेंगे कि इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। तो इसके बाद भी और कहीं भी इस तरह से आप और लोगों के लिए मूवी के लिए फ्री टिकट्स आप देंगे? अभी अगले कुछ दिनों के अंदर जो मालवनी में हिंदुओं के साथ में उत्पीड़न हुआ था, वो सभी हिंदू इसी थिएटर में आकर पिक्चर देखने वाले, हम सब उनके साथ में ये पिक्चर फिर से दोबारा देखेंगे। आपसे जानना चाहूंगी, आपने इस फिल्म को देखा है, कैसी आपको फिल्म लगी और किसके कैरेक्टर को आप ज्यादा देखते हैं, कैरेक्टर में जो भूतकर अपने किरदार को निभाया है इस फिल्म में? अनुपम खेर जी ने जो कैरेक्टर किया है उस रोल से ये पता चलता है कि जिस वक्त कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उस वक्त भारत देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो सरकार हिंदुओं को संभालने के लिए निष्फल रही, ये निष्फलता इस फिल्म से पूरी भारत के सामने इस फिल्म से आ रही है। तो इस ये फिल्म भारत का हर देशवासी देखे, यही हम युवा मोर्चा की तरफ से हमारा उद्देश्य है। अच्छा, क्योंकि आप लोग फिल्म देखकर आ रहे हैं, ये सारे ब्रिलियंट कलाकार हैं इस फिल्म में, अनुपम खेर हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी हैं और भी कई सारे लोग हैं, उनकी एक्टिंग के बारे में आप लोग क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को निभाया? कोई बोल सकता है? देखिए, जिस प्रकार से इस फिल्म में एक एज एन एक्टर उनका जो रोल है उससे ज़्यादा मैं उनके कैरेक्टर के रोल की तारीफ करना चाहूँगा। जिस प्रकार उन्होंने दर्शाया है, जिस प्रकार से उन्होंने ऐसे इस प्रकार से उन्होंने स्वयं को दर्शाया जैसे उनके ऊपर ये सारी चीज़ें बीती हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद इनसे ज़्यादा बेटर और एक वर्सेटाइल परफॉर्मेंस इनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं दे सकता। एक बार फिर से वो जो नारा भारत, उसके बाद हम भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करा, टैक्स फ्री करा, टैक्स फ्री करा। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करा, टैक्स फ्री करा, टैक्स फ्री करा। रूट मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो खीर देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।